हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वैसा गुणनखंड जिसका बेस हम 100 रखेंगे। जैसे 100 से नीचे का गुणनखंड और 100 से ऊपर का गुणनखंड, यानी बिलो द 100 एंड अबव द 100, यानी 90s में हम देखेंगे गुना करके और 100 के ऊपर के संख्या को गुना करके देखेंगे कि कैसे गुना किया जाता है विथ ट्रिक। सबसे पहले हम 90s में देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है, आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 92 into 94, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेस 100 हमको मान लेना है, हमें बेस 100 रखना है, ठीक है। तो बेस 100 हमको रखने का इसलिए ज़रूरत पड़ गया है क्योंकि इसमें सबसे पहले देखिए क्या करना है, यहाँ देखना है कि 100 से कितना कम है। यहाँ 100 से 8 कम है, तो यहाँ -8 हम लिख लेंगे, ठीक है। 100 से 8 कम है 92, यहाँ 94 है, तो 100 से कितना कम है, -6, यानी ये कितना, 100 से 6 कम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 92 में से 6 हम घटा के देखेंगे तो आएगा कितना, आएगा 86। अगर ये इसमें से इसको अगर हम घटाएंगे तो आएगा कितना, 86। अगर 8 हम घटाएंगे 94 में से तो आएगा फिर भी कितना, 86, यानी कि टू डिजिट, फर्स्ट टू डिजिट हमारा 86 होगा ही, 86 होगा, पहला दो डिजिट हमारा 86 होगा। तो हमने बेस 100 रखा है तो दो जीरो इसमें लगा हुआ है, तो यानी कि दो प्लेस और हमें चाहिए, दो प्लेस और चाहिए। तो ये दो प्लेस कैसे आएगा, तो हमें क्या करना है, तो पहले पे तो हमने 8 जो यहाँ रखा है और यहाँ -6 रखा है, तो माइनस माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस दोनों को हम गुना करते हैं, तो 8 6 48, तो लास्ट टू डिजिट हमारा 48 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए तो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 91 into 95, तो इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि 100 से कितना कम है, तो 91 100 से कितना कम है, 91 100 से कितना कम है, तो यहाँ 9 कम है, तो -9 हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ 95 100 में से कितना कम है, 5 कम है, तो यहाँ -5 लगा लेंगे, ठीक है। अब 91 में से हम 5 घटा के देखेंगे तो आएगा कितना, 86 ही आएगा, और 9 घटाएंगे हम 95 में से तो कितना आएगा, 86, यानी फर्स्ट टू डिजिट हमारा 86 ही होगा, तो हम लिख लेंगे। तो हमने बेस कितना रखा है, बेस हमने 100 रखा है, तो दो डिजिट हमें और चाहिए, तो इस दो डिजिट के लिए हमें क्या करना है, जो -9 हमने रखा है और यहाँ -5 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 5 45, तो यहाँ 45 हमारा लास्ट का दो डिजिट हो जाएगा, ये हो गया आंसर। और इसी टाइप का आइए तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, 97 into 96, तो इसे हमें क्या करना, सबसे पहले देखना 100 से कितना कम है, तो 97 100 से 3 कम है, ठीक है। और यहाँ 96 है, तो ये कितना कम है, ये 4 कम है, ठीक है। और इस 97 में से हम 4 को घटा के देखेंगे और 96 में से 3 को घटा के देखेंगे, दोनों को घटाने पे आपको 93 मिलेगा, तो 93 फर्स्ट टू डिजिट हमारा 93 ही होगा, और दो प्लेस और है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, दो प्लेस और है, तो इसके लिए हमें ये -3 और -4 को हमें मल्टीप्लाई करना है, -3 और -4 में हमें, तो हो जाएगा यहाँ पर 12, तो 12 हमने लिख लिया, ये हमारा हो गया आंसर। आइए इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 98 into 94, तो इसे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ देखेंगे 100 से कितना कम है, तो 100 से ये 2 कम है, और 100 से यहाँ ये 6 कम है 94, तो दोनों को हम घटा के देखेंगे, तो 98 में से 96 को घटाएंगे, 94 में से 92 को घटाएंगे, तो यहाँ दोनों ही तरीके से घटाने पर हमें पहला दो डिजिट का आंसर मिल जाएगा 92, ठीक है। और अगला दो प्लेस के लिए हमें क्या करना है,
ये माइनस सिक्स और माइनस टू को गुना करना है, तो 6 दुना 12, माइनस माइनस है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ 92, 12, ये 92 12 हमारा आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो किया है, तो एबव द 100 है तो 100 से ऊपर है, तो 101 गुने 103 है, तो यहाँ भी बेस हम 100 ही रखेंगे, बेस हमारा 100 ही रहेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें भी वही काम करना है कि देखना 100 से ये कितना ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 100 से ये +1 है और ये 100 से 3 ज़्यादा है तो +3। तो एक काम हम करेंगे, ये 3 को ये 101 में हम जोड़ेंगे और ये 103 में ये 1 को जोड़ेंगे, तो दोनों ही को अलग अलग हम जोड़ के देखेंगे तो हर सूरत से हमें 104 मिलेगा। तो पहला 3 डिजिट हमें मेरा आंसर 104 ही हो जाएगा। तो 100 हमने बेस रखा है, तो 2 प्लेस हमें और चाहिए, तो इस 2 प्लेस के लिए हमें क्या करना है, ये +4 और +1 +3 +1 को हमें गुना करना है, तो 3 इकाइयां 3, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 0 3 0 3, ये हमारा आंसर हो गया। इसी टाइप का आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना 100 से 105 कितना ज़्यादा है, तो यहाँ 100 से 5 5 ज़्यादा है और 102 यहाँ 100 से 2 ज़्यादा है, ठीक है, दोनों प्लस में है, तो ये 2 को हम ये 105 में जोड़ेंगे और ये 100 ये 5 को 102 में जोड़ेंगे, तो हमारा पहला 3 डिजिट तो 107 आएगा, वो हम लिख लेंगे। हमें 2 डिजिट और चाहिए, तो ये +5 है और यहाँ +2 है, तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 गुना 10, तो ये लास्ट 2 डिजिट 10 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए इस टाइप का हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ जैसे दिया हुआ है 107 गुने 108, तो यहाँ हम देखेंगे 100 से 107 कितना ज़्यादा है, तो 100 से 107 आपको 7 ज़्यादा है, तो यहाँ +7 पहले लिख लेंगे, और यहाँ 108 8 ज़्यादा है तो +8 हम लिख लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये 8 को हम 7 में जोड़ के देखेंगे और ये 7 को 108 में जोड़ेंगे, तो आएगा कितना, 15, 115। तो पहला 3 डिजिट तो 115 हो गया, 2 डिजिट हमें और चाहिए, तो इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 7 56, तो 56 हमारा लास्ट 2 डिजिट का आंसर, ये हमारा पूरा आंसर हो गया। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 112 गुने 104, तो इसे एक बार आप सॉल्व करके देखिए, वैसे ही करना है एकदम, वही ट्रिक लगाइए। चलिए तो हम ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 112 गुने 114 104 है, तो यहाँ 100 से 112 कितना 12 ज्यादा है, तो +12 हम यहाँ लिख लिया, और 104 यहाँ 100 से 4 ज्यादा है, तो इस 4 को हम 112 में जोड़ के देखेंगे और ये 12 को 104 में जोड़ के देखेंगे, तो आएगा 116। तो पहला 3 डिजिट हमारा हो जाएगा 116 और लास्ट 2 डिजिट हमें और चाहिए, तो ये 12 को 4 से हम गुना करते हैं, तो 12 को 48, ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।